खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। दरअसल बच्ची को सकुशल अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने के बाद गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर परिवार से मिलने पहुंचे। बच्चे के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर और पुलिस टीम का जोरदार स्वागत किया। बच्चा 5 बहनों का इकलौता भाई है। बहन पुलिस कमिश्नर से लिपट कर हुई। कमिश्नर आलोक कुमार सिंह भी भावुक हो गए और उन्होंने किसी तरह उन्हें संभाला। हर्ष के पिता का कहना है कि मैं जिंदगी भर पुलिस वालों के का एहसान का कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। पुलिस कमिश्नर और बच्चे को सकुशल बरामद करने वाली टीम का स्वागत करने के लिए पूरे लोकसर गांव के ग्रामीण मेघ सिंह के घर इकट्ठा हो गए। सभी ने पुलिस टीम को मालाएं पहनाई और फूल बरसाए। तुम्हें ये पता है तुम्हारा लड़का कहाँ है? बल्कि घर पे होगा या पड़ोस में होगा, मुझे तो पता नहीं है लड़का कहाँ है। तुम्हारा लड़का 4 घंटे से हमारे पास है, तुम्हें पता है कुछ नहीं? फिर कहने लगा साइड में हो, मुझे आवाज़ साफ नहीं आ रही, एक साइड में होकर बात करो। कौन सा कोई तुम्हारे पास है तो नहीं? मेरे पास कोई नहीं है जी। तो हमें 30 लाख रुपए चाहिए, आप लड़का लेना था। मैंने कह दी 30 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा, पेड़ पे थोड़ी लग रही, मैं मजाक समझ रहा, कोई मजाक कर रहा साथ में, ये बात हुई। और उसके बाद एक बदमाश वहां पर उसकी घायल हुआ, जिसको अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी बताया गया है कि अब मृत्यु हो गई है। और इसमें बालक को सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया गया है और इसमें आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है।